सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल वन के बारे में कंसिडर मेरे पास एक वैल्यू है जिसे मैंने असाइन किया है टू तो अ पर्टिकुलर वेरिएबल एंड मेरे पास दो थ्रेड टी वन एंड टी टू सो टी वन थ्रेड इज अडर थ्रेड मीन इट विल एड समू दू थ्रेड इज अ अब थ्रेड इट विल सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द वेरिएबल कंसिडर द वैल्यू इज हंड्रेड सो टी वन थ्रेड इसमें कुछ वैल्यू एड करेगा लेट्स इट इज एज इसमें से कुछ वैल्यू सब ट्रैक करेगा लेट्स कंसिडर माइनस ट्वेंटी वेर एज टी वन एंड टी टू दोनों पैरल ऑपरेशन करेंगे दोनों करेंगे. So, यहाँ पे दो थ्रेड्स एक वैल्यू को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं एंड इसकी वजह से इस वैल्यू में कुछ आउटपुट आएगा विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेस कंडीशन चलिए मैं आपको समझाता हूँ जब भी आप कोई वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो इन तीन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है फर्स्ट स्टेप इज रीड द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कंसिडर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स एंड इट हैज वैल्यू ट्वेंटी कंसिडर सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट अ न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल सपोज आप इस वेरिएबल में वन ऐड करते हैं मीन्स इसे इंक्रीमेंट करते हैं सो सेकेंड स्टेप इसे अपडेट करेगा सो ट्वेंटी वन इट विल बी द रिजल्ट

सो टी वन थ्रेड इस करंट वैल्यू को फेच करेगा विच इज हंड्रेड इन दिस केस देन इस वैल्यू में टेन ऐड करेगा एक न्यू वैल्यू जनरेट होगी वन हंड्रेड टेन इस वन हंड्रेड टेन को यहाँ पे राइट किया जाएगा नाउ एक्स हैज वैल्यू वन हंड्रेड टेन इसके बाद टी टू इस वैल्यू को रीड करेगा एंड इसमें से माइनस करेगा ट्वेंटी सो वन हंड्रेड टेन माइनस ट्वेंटी इट विल बिकम नाइन्टी एंड देन इस नाइन्टी को राइट किया जाएगा सो फाइनली एक्स में नाइनटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं लेकिन यहां पे टी वन एंड टी टू पैरली रन हो रहे हैं इससे कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है सो सपोज देर आर टू पार्टीशन सो दिस इज फॉर द टी वन एंड दिस इज फॉर द टी टू सो टी वन एंड टी टू करंट वैल्यू रीड करेंगे सपोज टी वन ने रीड किया है हंड्रेड आई एम एक्सपेक्टिंग नाइन्टी एज अ आउटपुट दिस इज माई करेक्ट आउटपुट सो जब तक टी वन एक नया वैल्यू कैलकुलेट करेगा विद एडिशन विद टेन एंड उसे राइट करेगा तब तक टी टू इस वैल्यू को रीड कर लेगा एंड so, एक न्यू वैल्यू जनरेट होगी विच इज वन हंड्रेड टेन एंड इस वन हंड्रेड टेन को राइट किया जाएगा बट साइमल्टेनियी टू भी काम कर रहा है हंड्रेड से माइनस कर देगा ट्वेंटी इट विल बिकम एटी एंड नाउ द फाइनल आंसर इज एटी सो सबसे फर्स्ट टी वन राइट करेगा नाउ द आंसर इज वन हंड्रेड टेन एंड देन फिर से टी टू इसे ओवर राइट करेगा विद न्यू वैल्यू एटी यहां पे हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे नाइन्टी और हमें मिल रहा है एटी यही नहीं कभी कभी एटी को फर्स्ट राइट किया जाएगा एंड देन वन हंड्रेड टेन को राइट किया जाएगा सो so यहाँ पे आपको वन हंड्रेड टेन भी मिल सकता है कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है दिस इज अनप्रेडिक्टेबल एंड दिस इज हैल्टीपल थ्रेड आर एक्सेसिंग सेम वेरिएबल एट द सेम टाइम एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट अब बात करते एग्जाम्पल टू के बारे में ऑफ रेस कंडीशन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बस टिकटिंग सिस्टम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सबसे पहले थ्रेडिंग मॉड्यूल में से सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थ्रेड बनाने पड़ेंगे एंड मैं क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास का नाम देता हूं बस अभी इसमें मैं पास लिखता हूं एंड देन मैं यहाँ पे बस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा देन दो थ्रेड्स को मैं क्रिएट करूंगा दो थ्रेड्स मीन्स दो यूजर्स जो टिकट बुक करना चाहते हैं ऑफ दिस बस मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं def init इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स में लूंगा फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ बस एंड सेकंड पैरामीटर इज अवेलेबल सीट्स कितने सीट्स अवेलेबल है बस में देन मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा मींस पर्टिकुलर बस में इतने सीट्स अवेलेबल है आई विल राइट हियर सेल्फ डॉट आई विल यूज द सेम वेरिएबल नेम अवेलेबल सीट्स एंड असाइन इट सेम वेरिएबल सो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंसिडर द फर्स्ट बस बी वन ऑफ द बस क्लास इसमें मुझे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी सो so, नेम के लिए आई विल पास महालक्ष्मी ट्रेवल्स एंड अवेलेबल सीट से इन दिस केस कंसिडर टू सो दो सीट्स अवेलेबल है एक मेथड क्रिएट करता हूं दिस मेथड विल रन फॉर रिजर्विंग सीट्स

अभी इस इंस्टेंस मेथड में मैं सिर्फ पास लिख देता हूँ सो so, यहाँ पे कुछ कोड होगा दो थ्रेड्स मैं क्रिएट करूँगा फर्स्ट वन इज टी वन थ्रेड एंड सेकंड वन इज टी टू थ्रेड टी वन एंड टी टू का जो टारगेट होगा वो रिजर्व मेथड होगा क्योंकि दोनों सीट्स बुक करना चाहते हैं सो so, जब भी ये थ्रेड टिकट बुक करेंगे तो उनको कितने सीट्स चाहिए ये वैल्यू देनी पड़ेगी एंड ये हम पास करेंगे इस रिजर्व मेथड में एज अ पैरामीटर सो so, दो थ्रेड्स में क्रिएट करता हूं टी वन थ्रेड फ्रॉम अ थ्रेड क्लास आई विल गिव अ टारगेट टारगेट इज बी वन डॉट रिजर्व सो यहां पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा फॉर गिविंग दिस मेथड एज अ टारगेट सो इस रिजर्व मेथड तो को एक आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ता है सो आई विल पास ये आर जी एस इन द फॉर्म ऑफ टपल पास करना है कंसिडर टी वन थ्रेड को एक सीट चाहिए सो आई विल पास यर वन कॉमा इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड इस टी वन थ्रेड का नेमिंग भी करवा लेते हैं हमें पता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं नेम इंस्टेंस वेरिएबल को बट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग हमारे पास एक और तरीका है जस्ट राइट हेयर नेम एंड आई विल राइट हेयर द कस्टमर नेम कंसिडर इट इज जय एक और थ्रेड क्रिएट करूंगा फॉर अ सेकेंड यूजर टारगेट विल बी सेम एंड टी टू को भी कंसिडर एक ही सीट बुक करना है यहां पर मैं नाम रख देता हूं राजन टी वन एंड टी टू को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा सो आई विल स्टार्ट टी वन एंड आई विल स्टार्ट टी टू अब बात करते रिजर्व का कोडिंग कैसा होगा इसमें क्या रहेगा सबसे फर्स्ट हम यूजर के सामने प्रिंट करेंगे कि बस में कितने सीट अवेलेबल है सो आई विल राइट ए मैसेज हि प्रिंट एवेलेबल सीट्स आर एंड अवेलेबल सीट्स के लिए कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है ये इंस्टेंस वेरिएबल सो आई विल राइट हियर अब यहां पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा कि यूजर ने जितने सीट्स रिक्वेस्ट किए हैं क्या वो अवेलेबल है सच में एंड इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे इफ अवेलेबल सीट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नीड सीट्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही सीट का बुकिंग किया जाएगा सो so, यहाँ पे कोड होगा इस कोड को T1 वन एंड टी टू एक्सेस करेंगे आफ्टर द कोड इज एग्जीक्यूटेड आई विल प्रिंट कि इतने इतने सीट्स अलॉकेट हुए हैं सो हियर आई विल राइट अ नंबर नीड अंडर स्कोर सीट्स आर अलॉकेटेड टू एंड यहां पे मुझे नेम लिखना है सपोज T1 वन थ्री इस कोड को एग्जीक्यूट करता है तो मुझे जय लिखना है टी टू करता है तो राज सो so, यहाँ पे सबसे पहले आई विल राइट अ करंट थ्रेड वाई आई एम राइटिंग अ करंट थ्रेड बिकॉज अगर टी वन इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो करंट थ्रेड विल बी टी वन तो करंट थ्रेड का नेम हमें चाहिए आई विल राइट हियर करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट डॉट नेम हमें पता है कि ये फंक्शन हमें करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस किया विल स्टोर दिस नेम इंटू अ वेरिएबल इन एम ट बुकिंग कोड जो है डेटा बेस कंसिडर द डेटा बेस इज माई एसक्यूएल माइ एसक्यूएल के साथ कनेक्शन बनाया जाएगा एंड माइ एसक्यूएल में जो भी टेबल होगा जिसमें ये अवेलेबल सीट की वैल्यू स्टोर रहेगी उसे अपडेट किया जाएगा जो भी सीट नंबर होगा जो भी अदर डिटेल्स होगी कस्टमर्स की वो सारी इनपुट लेके डेटाबेस में अपडेट की जाएगी अब यहां पे अवेलेबल सीट्स कंसिडर टू है टी वन ने एक सीट बुकिंग कर लिया तो अवेलेबल सीट्स अपडेट होना चाहिए सो हियर विल राइट अवेलेबल सीट्स माइनस इक्वल नीड सीट्स सो जितनी भी सीट्स बुक हुई है उनको माइनस किया जाएगा फ्रॉम द अवेलेबल सीट्स अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके लिए हमें एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा सो आई विल राइट एल्स मीन सीट्स आर नॉट अवेलेबल सो हियर आई विल प्रिंट सॉरी सीट्स आर नॉट अवेलेबल सो हियर यू कैन सी देर इज अ वेरिएबल अवेलेबल सीट्स एंड इस वेरिएबल को टी वन एंड टी टू साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे एंड इससे एक अनरिलायबल आउटपुट क्रिएट होगा जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एंड इस कंडीशन को बोला जाएगा रेस कंडीशन दिस इज अ बग इन मल्टी थ्रेडिंग चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं so, सो यहाँ पे हमने जो अवेलेबल सीट्स वेरिएबल का यूज किया है इसे सेल्फ के साथ हमें यूज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल नाउ रन करने के बाद यू कैन सी अवेलेबल सीट्स आर टू वन इज अलॉकेटेड टू जे एंड अवेलेबल सीट्स आर वन वन आर अलोकेटेड टू राज ये जो मैसेज है ये जय को दिखा ये जो मैसेज है ये राज को दिखा चलिए फिर से रन करते हैं सेम आउटपुट मिला चलिए फिर से रन करते हैं आप अगर इसे बार बार रन करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अनरिलायबल आउटपुट देखने को मिलेगा। चलिए करते हैं रन इसे एंड यू कैन सी अवेलेबल सीट्स आर टू एक बुक हुआ है एंड उसके बाद भी ये टू ही दिखा रहा है कंसिडर टी को अब दो सीट्स चाहिए अब फिर से रन करते हैं आई विल क्लियर इट एंड अगेन आई विल रन एंड हियर यू कैन सी वन सीट अवेलेबल दिख रहा है उसके बावजूद भी ये बोल रहा है सॉरी सीट्स आर नॉट अवेलेबल यू कैन सी सेम आउटपुट सेम आउटपुट आपको यहां पे देखने को मिलेगा अवेलेबल सीट्स टू दिखा रहा है एंड उसके बाद बोल रहा है कि सॉरी सीट्स आर नॉट अवेलेबल ये देखकर तो यूजर का दिमाग बहुत ज्यादा घूम जाएगा वो श्योरली कंप्लेंट करेगा एंड ऐसे जो एप्लीकेशन बनाते हैं उनको दिन बाद में काम से निकाला भी जा सकता है दिस अनरिलायबल आउटपुट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस टू थ्रेड्स आर एक्सेसिंग दिस अवेलेबल सीट्स वेरिएबल एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू चेंज एट द सेम टाइम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ रेस कंडीशन इज मल्टी थ्रेडिंग इस रेस कंडीशन को आप हैंडल कर सकते हैं एज अ डेवलपर देर आर मल्टीपल वेज चलिए उन तरीकों के बारे में आप जानते हैं एंड ये भी जानते हैं कि कैसे आप रेस कंडीशन को डिफाइन करेंगे इन इंटरव्यू सो वॉट इज रेस कंडीशन सो रेस कंडीशन इज अ बग जनरेटेड वेन यू डू मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग इट ऑकर्स बिकॉज टू और मोर थ्रेड आई आर ट्राइंग टू एक्सेस एंड अपडेट कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा सो कॉन करंट एक्सेस टू शेयर कैन लीड टू रेस कंडीशन सो दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ रेस कंडीशन रेस कंडीशन को कैसे फिक्स किया जाए देर आर समेक्निक्स कॉल्ड एज अ थ्रेड इंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स इन टेक्निक्स का यूज करके आप रेस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं अब जिस कोड में रेस कंडीशन ऑकर होता है उस कोड को बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द कोड सो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन हो गया हमारा सिर्फ अवेलेबल सीट्स को अपडेट करना वन टू टू लाइन अवेलेबल सीट्स को यूजर के सामने दिखाना दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन रिमेंबर दिस थिंग उसे हम साइमल्टेनियसली ही रन करेंगे So, यहां पे क्रिटिकल सेक्शन जो होता है उसको हम एक्सेस करेंगे इन अ अंक्रोनाइज मैनर एंड इसके लिए हमारे पास तीन सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स है फर्स्ट वन इज यूजिंग लॉक्स सेकेंड वन इज आर लॉक द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लॉक एंड थर्ड वन इज यूजिंग सेमाफोर्स इन टेक्निक्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन अपकमिंग वीडियोस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विल सी यू नेक्स्ट टाइम